और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का योगदान अद्वितीय है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आई राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा तो भारतीय किसान इस यात्रा के अग्रदूत होंगे। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्नातक विद्यालय के 62वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में IARI का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि 2005 से 2024 के बीच संस्थान ने 100 से ज्यादा किस्में और 100 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम किए हैं, जो देश के लिए गौरव की बात है। इस संस्थान ने 200 से ज्यादा नई तकनीकों का विकास किया है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच की IARI ने 100 से ज्यादा वेराइटीज विकसित की है और 100 से ज्यादा पेटेंट्स अपने नाम की है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि ये संस्थान अनुसंधान के साथ साथ एक वैश्विक विश्वविद्यालय बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि किसानों की मेहनत से देश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, अब पोषण सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। निर्माणों के इस पावन युग में चरित्र निर्माण को नहीं भूलना चाहिए और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण दुर्लक्ष नहीं हो। विज्ञान के और ICR के प्रयत्नों से उत्पादन खूब बढ़ाया हमने और सारे संकटों से उबारा। अब गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, पौष्टिकता पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर RC अग्रवाल ने कहा कि पाठ्यक्रमों में नई शिक्षा नीति के समावेश से छात्रों का सर्वांगीण विकास होने के साथ चरित्रवान युवा तैयार हो रहे हैं। सर्वांगीण विकास के लिए न सिर्फ उसको शैक्षणिक चीज़ों पर ध्यान देना है बल्कि हमें ये भी देखना है कि बच्चे का नैतिक मूल्य किस तरह से उसके सामने हो, किस तरह से वो आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं हमारे पास कृषि की उनको कैसे पूरा करें, तो इन सब के ऊपर भी हम अपने पाठ्यक्रम को भी उसी तरह से रिवाइज कर रहे हैं और उस सब पर भी हम बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं अपनी कृषि शिक्षा में। समारोह के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि कुल 26 विषयों में मास्टर और PhD की उपाधियाँ दी गई है। डॉक्टर AK सिंह ने संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्यों की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। ड्यूरिंग 2023 द इंस्टीट्यूट डेवलप्ड 30 हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स using cutting-edge science and technology, including genome editing. IRI bred wheat varieties are cultivated on about 9 million hectares, contributing approximately 30 million tons of wheat to nation's granary. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अधिष्ठाता डॉक्टर अनुपमा सिंह ने कहा कि ये दिन संस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दीक्षांत समारोह में 5 विदेशी छात्रों सहित कुल 543 छात्र और छात्राओं को उपाधि दी गई है। हमारे बच्चे जो मास्टर्स में हैं वो पूरे 2 साल बहुत अथक प्रयास करके और जो PhD प्रोग्राम्स हैं उनमें 3 साल और उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करके फिर वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि उन्हें डिग्री मिले। तो IRI का कॉन्वोकेशन तो एक बहुत बड़ा महोत्सव है। कार्यक्रम में मौजूद पूसा संस्थान महिला संघ की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु सिंह ने कहा कि लड़कियाँ कृषि शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं, पदक हासिल करने में भी लड़कियों ने अव्वल रहकर बाजी मारी है। महामहिम की उपस्थिति बहुत ही गरिमामयी रही जो कि काफ़ी मोटिवेशन दे रही है हमारे स्टूडेंट्स को और स्टाफ को, और जैसा कि विदित है कि लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ज़्यादातर मेडल्स उनको ही मिले हैं और हमारे देश में जैसा और क्षेत्रों में हो रहा है वैसे ही कृषि के क्षेत्र में IRI में भी लड़कियों का योगदान बढ़ चढ़ के आगे है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए युवा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना को
राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। मुझे डॉक्टर एच के जैन मेमोरियल यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, जो कि मेरा जो बारानी क्षेत्रों में जो फसलें होती है उनमें मृदा नमी की कमी से फसलों में उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसमें सुधार के लिए मैंने जो कार्य किया है। दीक्षांत समारोह के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने IARI के प्रकाशनों का विमोचन करने के साथ नई किस्मों को जारी किया और उन्हें राष्ट्रपति को भेंट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि शिक्षा शोध और प्रसार के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान के शोध कार्यों और देश के अन्नदाता की मेहनत की बदौलत 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा तो भारतीय किसान इस यात्रा के अग्रदूत होंगे। राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 62वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान छात्र और छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इनमें PhD और मास्टर डिग्री के छात्र शामिल रहे। ये सभी छात्र भविष्य में न केवल कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक शिक्षार्थी और शोधार्थी बनेंगे बल्कि देश के लिए विकास के काम करने के लिए बेहतर मानव संसाधन तैयार करने का एक जरिया भी बनेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मोपी यादव, DED News दिल्ली।